सुजाता पॉल जी, प्रधानमंत्री ने कहा है कि नकारात्मक राजनीति से ऊपर उठकर सकारात्मक राजनीति के राह पर देश चल रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो मैं आपको न्यूज आइटम दिखा रही हूं, ये न्यूज आइटम दरअसल इकोनॉमिक टाइम्स का है और इसमें हम यहां पे किसी अन्य अखबार और टीवी के वेबसाइट की पुष्टि नहीं कर सकते। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, खैर अब अपनी बात रखिए। सुनिए, लवासा में प्रधानमंत्री जी की दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बन रही है। तो जो अपने अपने रहते रहते अपने नाम पे स्टेडियम बनवा ले, मूर्ति बड़ी बड़ी बनवा ले, उनका क्या कहना। लेकिन आपको मैं दो बातें जरूर कहना चाहती हूँ। गरीबों की बात हो रही है, 80 करोड़ लोग इस देश के गरीब हैं। आपके कहने का मतलब उनको नौकरी आप दे नहीं पा रहे, पकौड़े तलने की बात करते हैं और 80 करोड़ लोग गरीब हैं और आप इसमें मतलब खुशी मनाते हैं, ये आपका अचीवमेंट है। 27 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से बाहर निकाला, 23 करोड़ लोग वापस गरीबी रेखा के नीचे चले गए। मगर मुझे नकारात्मक और सकारात्मकता पे ही बात करनी थी, जो आपने मुझसे पूछ लिया। अब देखिए, नकारात्मकता क्या होती है, प्रधानमंत्री हो या भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र हो, जो आज ये बोल रहे हैं बार बार कि कांग्रेस के साथ नहीं जाना। अरे भाई, लोकतंत्र है इस देश में, बाबा साहेब का अपमान मत करो। और लोकतंत्र संविधान के हिसाब से चलता है, और लोकतंत्र तभी चलता है जब बहुत सारे लोग अपने अपने लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आगे आते हैं। पहले कहा पार्टियों को खत्म कर देंगे, ये बड़ा मगरमच्छ है जो सारी मछलियों को खा जाएगा, ये बताया इन्होंने। अरे लोकतंत्र में ये नहीं चलता। लेकिन आप ये कहेंगे, आप उनके साथ क्यों जा रहे हैं? बचपन में मुझे याद है कि बच्चों की जब लड़ाई होती है तो क्या कहते हैं, अरे तू उसके साथ नहीं खेलेगा, अगर खेलेगा ना तो मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। यही कर रहे हैं ये। अरे भाई, कौन किसके साथ जाना चाह रहा, हम तो नहीं कर रहे। देखिए सुजाता जी, आपने आपने एक 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 बहुत अच्छी लाइन, लेकिन आप कहेंगे मत जाओ। सुजाता जी, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, आपने कहा कि देश में लोकतंत्र है, और आप कम से कम अपने नेताओं को अब ये कहेंगे कि विदेश की धरती पर जाकर भारत के लोकतंत्र पर सवाल ना उठाएं। खैर चलिए, मैं धीरेंद्र कुमार के पास चलता हूं। धीरेंद्र कुमार जी, आप लास्ट जी जी, जफर साहब जल्दी से, सवाल किया तो जवाब भी सुन लीजिए। बस मैं जफर का जवाब लेता हूँ, फिर आपके पास आता हूँ। सुजाता पॉल जी, ये दुनिया जो है ना बहुत बढ़िया, और ये अरुण जेटली जी ने कहा था, अरुण जेटली जी ने, आज की तारीख में आप अपने कान और आंख बंद करके नहीं बैठ सकते। चलिए चलिए सुजाता पॉल जी, मैं जफर इस्लाम का जवाब लेता हूँ, फिर धीरेंद्र कुमार। जफर इस्लाम साहब, जफर इस्लाम साहब, ये तो कुछ दिन पहले लोकतंत्र पे सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन अब लोकतंत्र के पक्ष में बोल रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र है। दे रहा है, दुरुस्त है, अपने अपने साथियों को और अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को बताएंगे। लोकतंत्र, बाबा साहेब का लोकतंत्र, मोदी जी वाला नहीं। एक मिनट, आप सुजाता जी जवाब सुन लीजिए। सुजाता जी जी, आप किसी के साथ अलायंस करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं, और ना हमारी पार्टी को। लेकिन ये बात तो उनको, मैं अपने मित्र, पुराने मित्र है राजीव भाई से पूछ रहा था कि घुटन तो महसूस कर रहे होंगे भाई, कमजोर तो महसूस कर रहे होंगे आज। आज ऐसा लगता है कि हमारे कंधे पे बैठ के आप इतनी सीटें पा गए, अब वहां पर जो एक तो हमारे कंधे से उतर गए, ऐसे कमजोर कंधे पे बैठ गए, जो दो सीटें जो थे, और साथ में चिराग पासवान जी आ गए, तो क्या आपका सफाया नहीं होगा? मैंने तो उनसे ही पूछा, सफाया तो आपका ऑलरेडी विधानसभा में 50 सीटें अपनी पापा थे हमारे कंधे के पर। राजेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपकी बारी है। धीरेंद्र कुमार और राजेंद्र के पास आऊंगा। सरकार पर सुजाता जी, एक एक करके जफर इस्लाम जल्दी से आप अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं धीरेंद्र कुमार और राजेंद्र जी के पास जाता हूं। क्रोधित जी, इतना गुस्सा, हार के लिए इतना गुस्सा अभी से? अरे भाई, थोड़ा धैर्य रखिए। मैं तो आपको सिर्फ आपका शॉर्ट एनालिसिस करके बता दिया, स्ट्रेंथ वीकनेस, और जो आपके स्ट्रेंथ वीकनेस है बता दिया, और आपके पास जो ना स्ट्रेंथ है और खाली वीकनेस वीकनेस है। स्ट्रेंथ के में खाली डब्बा दिख रहा है, वीकनेस पे खाली वीकनेस ही दिख रहा है, तो उसके बारे में जानकारी दे दिया आपको। बाकी तो आपकी पार्टी खुद, अब देखिए भाई, हमारे दरवाजे बंद है, राजीव भाई मजबूरी है, तो इसलिए नीतीश कुमार वापस नहीं आ सकते हैं। अब उनका उनका इच्छा जो भी हो, लेकिन उनको झेलना तो पड़ेगा। अब चिराग पासवान जी भी हमारे साथ है, दोनों को मिलकर आप समझ रहे क्या हो जाएगा। चलिए, कहीं के नहीं रहेंगे। चलिए, मैं धीरेंद्र कुमार का जवाब, धीरेंद्र जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? आप दोनों चाह रहे थे कि देखिए, ये यूपीए वाले जो लोग हैं, एक तरफ ये डिबेट हो रहा है मोदी जी के उद्घाटन से, मोदी जी
स्टेशनों का, रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण करके और 600 स्टेशनों का एक साथ कैसे बढ़िया हो इसका उद्घाटन कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देख लीजिए, स्टैच्यू ऑफ करप्शन राहुल गांधी जी लालू यादव के साथ चंपारण का मीट कैसे स्वादिष्ट बनता है ये कला पाक कला सीख रहे हैं। ये क्या है? देश क्या चलाएंगे? ये लोग तो पिकनिक बना रहे हैं, कभी बेंगलुरु में, कभी मुंबई में, कभी पटना में, अब दिल्ली में चंपारण का मीट का स्वाद लिया जा रहा है। इसलिए राजीव जी आप लोग एथिकल राजनीति करते हैं, अभी भी दलों के साथ क्या कर रहे हैं? तो नकली दलों के कार्यक्रम में आप क्या कर रहे थे? उद्घाटन वो मीटिंग हो रही थी क्या? फर्जी दलों का मीटिंग उतारे फर्जी, आप लोगों से बताते कोई फर्जी है? राजीव जी बताइए ना, जब 43 सीट पर आप लोग आ चुके हैं अभी भी दूसरे भी अर्जी दी आपके, आपके पास कितना है ये बताइए ना, आपकी अर्जी हमारे ऊपर सवाल खड़े करने के बजाय अपनी हैसियत बताइए, बिहार में कहाँ है जो एक साथ आ गई है मेला लगा हुआ भ्रष्टाचार का? एक कर सुजाता पाल जी, एक एक कर धीरेन्द्र कुमार जी, आप अपनी बात पूरी करिए फिर मैं अंतिम प्रतिक्रिया राजीव रंजन की लूंगा। आप सब एक साथ बोलेंगे तो आवाज नहीं आ पाएगी, धीरेन्द्र कुमार की बारी है। सुजाता जी आपके पास मैं फिर आऊंगा, धीरेन्द्र कुमार जी अपनी बात पूरी करिए फिर राजीव रंजन जल्दी से। जनता दल यू की अपनी जो है औकात वो एक सीट की थी, वो एक सीट है, बाकी भाजपा ने उनको गिफ्ट में दिया था गठबंधन के समय में, अब वो दूसरा गिफ्ट अब लेना चाह रहे हैं इधर गठबंधन बना के। तो ये अपने ताकत पर चलने वाले नहीं है, ये कहीं से इंपोर्ट करते हैं ताकत और उसी पर इनकी बिहार की राजनीति है, वो अब चलने वाला नहीं है चूंकि आपकी अर्जी भाजपा। चलिए चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इस डिबेट में हिस्सा बने, अपनी अपनी राय रखी।